फिर से भाई गुड मॉर्निंग। आधा घंटा पहले ही मैं उठ गया था। मैं यहाँ पे सोता हूँ, तुम लोगों को पता ही है ना। तो मैं अभी निकल रहा हूँ रनिंग के लिए। रनिंग के लिए जाऊँगा ग्राउंड। मैं निकल के तुम लोग से बात करता हूँ, है ना। अभी मैं निकल गया हूँ, और आगे बात करने से पहले मैं भूल ना जाऊँ, आप लोगों का स्वागतम स्वागतम वेलकम बैक टू माई चैनल। और तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो, कमेंट में बताओ। मैं भी अच्छा रहता हूँ, है ना। मैं ये कह रहा था कि मैं उस दिन गया धनबाद पब्लिक स्कूल में, सेंटर पढ़ा है। मेरे सिस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वहाँ गया। फिर वहाँ भाई 3 घंटा का एग्ज़ाम, 3 घंटा मैंने फिर बाहर भटका इधर उधर, बस में बैठा था। फिर क्या, वही मैं यहाँ से तो 8 बजे 8:30 बजे गया था, और 3 बजे लौटा हूँ। और फिर 3 बजे से क्लास था भिकराजपुर में, बट मैं वहाँ पे 3:30 बजे पहुँचा। फिर मैंने वहाँ पे क्लास लिया, फिर मैं आके यहाँ पे 5 बजे क्लास लिया मेरा क्लास में RDC में, है ना। वही बिजी डे पार हुआ है। फिर मैंने सोचा रात को शूट करूँगा, तो रात को तुम लोगों को पता है लाइट रहता नहीं है मेरे घर में ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। फिर भी मैंने कल वीडियो डाला है डांस का, है ना, सृजन में मैं परफॉर्म किया था। और मैं बात करते करते भाई ग्राउंड पहुंच गया हूँ, मुझे पता भी नहीं चला। नहीं, मुझे तुम लोग से बात करना अच्छा लगता है, है ना। तुम लोग से मिलना, बात करना, चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ग्राउंड पहुंच गया हूँ और रनिंग कर लेता हूँ, फिर मैं तुम लोग से बात करता हूँ। गाइज, मैं अभी रनिंग कर रहा था, और एक राउंड लगाते लगाते मेरे को थोड़ा सा पेन हुआ यहाँ पे थोड़ा सा पेन हुआ। तो मैंने सोचा होगा ऐसे ही कुछ, मैं रनिंग करते गया लेकिन पेन बढ़ रहा था भाई, तो मैं रुक गया। मुझे लगता है कि छोटा हुआ है रनिंग, इसीलिए शायद पेन कर रहा होगा। अभी मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तो शायद से पेन चल जाए। मुझे लगता है वही होगा, ऐसे नॉर्मली पेन होगा, कि एक्सरसाइज करने से पेन हट जाएगा, चला जाएगा, है ना। हो गया मेरा एक्सरसाइज किया हुआ, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। मेरा पेन कर रहा था, मैं कर रहा एक्सरसाइज, मेरा पेन धीरे धीरे कम हो गया, और अभी तो एकदम नहीं है, डेड हो गया पेन, ख़त्म। मैं सोच रहा था एक्सरसाइज करते करते कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, कुछ तो मैं तुम लोगों को बताया नहीं। और मेरा दिमाग में आया कि मैंने तुम लोग को कल का दिन बताया ही नहीं। कल सुबह गए थे हम लोग वीडियो शूट करने, और कई गए नहीं थे, यहाँ मोड़ में ही शूट कर रहे थे दुकान के आगे। और एक वीडियो पोस्ट भी किया, और आज भी एक पोस्ट करूँगा, ठीक है। तुम लोग तो मेरा इंस्टाग्राम ID नीचे रहता है, जाके देख लेना। और क्या, उसके बाद फिर घर गया मैं। फिर 11 बजे जाना था भिकराजपुर क्लास लेने, तो मैं फिर 11 बजे चल गया था। फिर वहाँ से क्लास लेके आया मैं, फिर मैं वहाँ से आके खाना खाया, उसके बाद मैं गया था बाल कटवाने। देखो सुसु आ गया था, तो मैं सुसु करने गया था। तो लोग क्या बता रहा था, बाल देखो मेरा बाल, तुम लोग मैं शूट कर रहा हूँ तो पीछे शायद देख लो। मैं घर जा रहा हूँ अभी, और मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है भाई। तो हेल्थ अच्छा रखोगे तो सब अच्छा रहेगा, क्यों। और मैं कहा था, हाँ, मैं बाल कटवा के आया, उसके बाद मैं आके फिर नहाया। नहाने के बाद टाइम हो गया था क्लास का, तो फिर मैंने क्लास करवाया। और क्या, बस कल ऐसे ही दिन पार हुआ है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ,
मैं तुम लोग से बाद में बात करता हूँ। और अभी हम लोग क्लास आए हैं ग्राउंड पे, मैं हूँ, मनोज आया है और हम लोग 20 मिनट पहले ही पहुँच गए। अभी तक कोई आया नहीं है और मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे कराटे क्लास चलता है। तुम लोग को अगर किसी को करना है तो यहाँ पे आ सकते हो। देखो यहाँ पे कराटे क्लास चलता है, इधर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इधर कराटे क्लास होता है, इधर डांस क्लास कराटे क्लास, डांस क्लास कराटे क्लास। देखो बहुत प्यारा बच्चा है बाबू। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हो आप? मैं तो थोड़ा सा उतर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अशराफ। इधर देखो इधर देखो हु? इधर देखो हु? हेलो बोलो। हेलो। गिरना मत गिरना मत। देखो गाइस क्लास चल रहा है। गुड मॉर्निंग दीपक, आ गया तुम भी जल्दी आ गया, हम लोग भी जल्दी आ गए, अभी तक आया नहीं हो तुम तो। ये क्लास करवाते कराटे क्लास। सर एक बार हाई कर दीजिए। अगर डांस क्लास या कराटे क्लास कुछ भी करना है यहाँ पे दोनों चलता है, दोनों आके कर सकते हो यहाँ पे, या मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को करना है तो मेरे को बता, कहा समझा बताओ 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 बता तुमको बताना पड़ेगा। मेरा एड्स हो गया है, मेरा एड्स कैसे हटाएंगे? ए बोल रहे मेरी शर्मा मत। तो भाई लोग भैया आ गए हैं और अभी प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, है ना, और फिर तुम लोग से मिलता हूँ मैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। और सपोर्ट बनाए रखो गाइस, और जल्दी से जल्दी कर दो जो करना होता तुम लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।